जेल विच ही रखन दा निर्णय लै लिया है, लेकिन समुची कौम उन्हां वीरां नाल खड़ी है जिस कश्मीर जिस विच जम्मू कश्मीर का हर एक सिख तुहाडी वीर जी आवाज ते इत्थे पहुंचेगा। असीं आज उत्थे अरदास करन भी आए हाँ कि गुरु महाराज सानू इस चीज़ का न्याय दिलाओ कि इस हुकूमत तों मतलब जब तू सिख वजूद विच आया अज तक सिखां नाल कोई इंसाफ नहीं होया, अगर कोई इंसाफ होया ते कोई दस दे। लेकिन सिख कौम कदे झूठ से नहीं, आज हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर सिखां दा हिस्सा देखिए 98% साडा हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा साडी तारीख कह रही है, अगर 98% हिस्सा देण तों बावजूद भी कुर्बानियां देण तों बावजूद भी सानू इंसाफ नहीं मिलिया ते असी तवक्को भी नहीं रखते। उन्हां बंदी सिंघां नूं रिहाई कर दिओ, तुहाडे वास्ते भी अच्छा रहेगा ते असी भी 4 दिन अच्छे जिहड़े देख के लवांगे, नहीं तां असी मरण तों कदे पिछे हटे नहीं। साडा मैं नहीं कहिंदा, साडा इतिहास कहिंदा है। गुरु रूप सात संगत जी, आओ गुरु महाराज की बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला जेड़े वीर जी इस स्टेज तो बोल रहे सन, उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक जथेबंदी या सियासी जथेबंदी का ना नहीं लेना, असी लैके भी राजी नहीं, क्योंकि सानू आज तो यकीन नहीं। सानू यकीन उस दिन तुसी जदों के हिंदुस्तान की तारीख विच छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने के जो अंडर एज सन उन्होंने मारिया गया सी, वह गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे सन। मैं एक हिस्टरी का रिटायर्ड लैक्चरर हाँ, लेकिन आस करता हाँ कि कदे भी कोई मैनू हिस्टरी दे विच ये दसे कि इतने इनोसेंट बच्चे नूं मारिया गया, ते मैं कहांगा तुसी सच्चे असी झूठे। लेकिन अज जो बंदी सिंह साडे जेलों के बीच धोखे वाले जिहड़े केस के बीच फसाए गए सन, उस धोखे वाले केस नूं भी अपनी जिहड़ी सज़ा कट के उन्हां नूं अज तक रिहाई नहीं हो सकी उन्हां दी, क्योंकि सज़ा मुकन तों बाद विच भी उन्हां नूं जेलों विच रोक के रखिया दा है। शेर चाहे जींदा होवे ते चाहे मुर्दा होवे, शेर दे कोलों लंघदिया हर इंसान दे दिल भी पै हुंदी है कि शेर ने मैनूं जींदा होया ते जींदा होया ते इस शेर ने मैनूं छड़ना नहीं, अगर मरा दा होया ते फिर भी इन्हें कुछ ना कुछ मैनूं देना है। सो साडी हालत वह है। सरदार जी भाई अमृतपाल सिंह जी के पिता जी, मैं उन्होंने बेनती करता हाँ कि कल ही शाम वेले साडा एक विचार बनिया जम्मू कश्मीर थूं, असी रजौरी जिले के जिथे दे बाबा बंदा सिंह बहादुर जमपाल हैं, रजौरी मेला जिला है और तहसील नौशहरे तो असी संबंध रखते हाँ। असी 5 सिंह उतू चले कि असी जाके उन्होंने सहारा देिए कि तुसी कल्ले नहीं, जम्मू कश्मीर के जिहड़े गुरु नानक नाम लेबा हैं वह भी तुहाडे नाल हैं। अगर साडी किते जरूरत बनी तो मेरा एड्रेस वीर जी कोल होएगा, असी अपना तुहानू कॉन्टैक्ट नंबर भी दे जाएंगे। मेरे नाल गुरुद्वारा छठी पातशाह नौशहरा थूं मीत प्रधान जी, कैप्टन गुरदेव सिंह जी, तो होर जो 5 साथी असी इत्थे आए हाँ। असी तुहानू ये सन्याह देन नहीं आए, असी तुहानू हिंदुस्तान गौरमेंट की एक नलायकी मैं कह सकता हाँ कि अगर तुहानू किसी भी कौम का कोई अच्छा विचार या कोई अच्छा सुधार करने वाला आदमी है, उन्हें यह मतलब नहीं कि उन्हें जेलों में डक्या जाए। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, साडा तो जिहड़ा चारा और सहारा है वह गुरु रामदास जी तो गुरु ग्रंथ साहब ही हैं। असी आज उत्थे अरदास करन भी आए हाँ कि गुरु महाराज सानू इस चीज़ का न्याय दिलाओ कि इस हुकूमत तों मतलब जब तू सिख वजूद विच आया अज तक सिखां नाल कोई इंसाफ नहीं होया, अगर कोई इंसाफ होया तो कोई दस दे। अज पंजाब दे जिहड़े मुख्यमंत्री हैं श्रीमान भगवंत मान जी, अगर वो इस चीज़ नूं चाहन तो ये पल भर नूं कह सकते हैं कि मैं इत्थे दा मुख्यमंत्री हाँ और जिहड़े मेरे स्टेट के जिहड़े लोग तुसां बंदी बनाए दे हन
उन्होंने तुरंत उस काले पानी तू कढ के इतने लियाओ। चाहे सजा झूठी है, अब मनते हैं सजा झूठी है, लेकिन जो NSA उन्होंने लगाया दा है उसकी जरा पीरियड होंगे वंस एक साल का होंगे है। जिसले साल कबूल पूरा होने से आया उन्होंने होर षडयंत्र रच के उन्होंने वीरों जेल में ही रखने का निर्णय ले लिया है। लेकिन समुची कौम उन्होंने वीर खड़ी है, जिस कश्मीर जिस जम्मू कश्मीर का हर एक सिख तुहाड़ी वीर जी आवाज से इतने पहुंचेगा। और आस करते हाँ कि बिरथी ना जाए जन की अरदास, गुरु रामदास जी साड़ी इस अरदास नूं पूरी करनगे, ते इंसाफ की तवक्को ना रखियो। मैं जरूर तुहानूं कहांगा इंसाफ की तवक्को ना रखियो, क्योंकि सियासी लोग हर पैर ते हर कदम ते झूठ बोलते हैं और उन्हां दा झूठ उन्हां नूं फरदा है। लेकिन सिख कौम कदे झूठ से नहीं। अज हिंदुस्तान की आजादी में अगर सिखां दा हिस्सा देखिए 98% साड़ा हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा, साड़ी तारीख कह रही है, अगर 98% हिस्सा देने तो बावजूद भी, कुर्बानियां देने तो बावजूद भी सानू इंसाफ नहीं मिलिया तो असी तवक्को भी नहीं रखते। एक पाकिस्तान का जनरल उसने कहा कि मैं शक्करगढ़ ते विच मैनू हुक्म होया कि तू शक्करगढ़ जीत के अखनूर जाके मतलब तक का हिस्सा है जिहड़ा सारा पाकिस्तान भी मिलाना है। लेकिन उस पोस्ट सिर्फ 13 सिंह सन। 13 सिंह ने जिसला देखिया कि पाकिस्तान की बड़ी सेना अगे आ रही है, उन्होंने बोले सो नियाल दे नहरे गजाए और दुश्मन तो उपर टावर तोड़ गोलियां बरसाइया। दुश्मन इस चीज़ तो भयभीत हो गया कि वो असी सुनिया कि 13 सिंह इतने तो 1300 तो भी ज्यादा हैं जिन्हों की आवाज़ इतनी गूंज रही है शेरों वाली, और उस अपने मनसूबे को अधूरा छड़ के वापस पाकिस्तान चलिया गया। थोड़े ही दिन पहला तुसा भी देखा होना उसने फेसबुक से एक अपनी आइडियो बनाई सी कि अगर हिंदुस्तान भी सरदार ना होंदे तो असी जाके अद्धा हिंदुस्तान उस अपनी जेडे मनसूबा सी उस मनसूबे विच असा कामयाब होना सी। लेकिन अफसोस नाल कहंदे हाँ कि जिस देश विच असी रह रहे हाँ उस देश विच सानू इंसाफ नहीं दिता। तो गुरु रामदास जी कृपा करन, इन्हां नूं इह सुमत दैन कि ये सानू इंसाफ दे सकन। बाकी जहाँ तक है कि वीर जी अमृतपाल जी का जिहड़ा विचार सी बड़ा अच्छा सी, संगत नूं गुरु नाल जोड़ना अमृत नाल जोड़ना, क्योंकि अमृत छकन नाल ही कोई सरदार नहीं बन जाता। अमृत साड़ी एक बेसिक चीज़ है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है साड़ी। उस रिक्वायरमेंट तो बाद ही जाके उस रिक्वायरमेंट मतलब एक जिस बच्चे असी स्कूल भेजते हैं कायदे में, तो सिखा का कायदा अमृत तो शुरू होता है। अमृत छकन तो बाद ही असी सिख गुरु वाले बन सकते हाँ और गुरु वाले बन के ही गुरु की आराधना कर सकते हाँ। लेकिन दोबारा अपील करांगा जड़ी हुकूमत पंजाब है और हुकूमत हिंद न कि बिना किसी देरी किए हुए उन्हां बंदी सिंघां नूं रिहाई कर दिओ, तुहाडे वास्ते भी अच्छा रहेगा ते असी भी 4 दिन अच्छे जिहड़े देख के लवांगे, नहीं तां असी मरण तों कदे पिछे हटे नहीं। साडा मैं नहीं कहिंदा, साडा इतिहास कहिंदा है। तो इतनियां ही बेनतियां मेरियां प्रवान करनियां। मैं उन्हां दे पिता जी नूं फिर वाहेगुरू जी की फतेह, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह कहंदे होया ये कहना है कि जम्मू कश्मीर का हर गुरु नानक नाम लेवा तुहाडे नाल है और तुहाडे नाल ही रहेगा। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।